नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो जियोफोन यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जियोफोन में व्हाट्सएप पर डीपी को कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जियोफोन में व्हाट्सएप पर डीपी को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए देखना होगा वीडियो को लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये है हमारा जियो फोन और अब हम चलते हैं अपने जियो फोन में व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप को ओपन करके हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने जियो फोन में किस तरह से अपने डीपी को चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। बीच वाला ऑप्शन है ओपन का और साइड में है न्यू चैट का, और यहाँ पर जियो के ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें सेटिंग पर क्लिक कर देना है बीच वाले बटन पर। तो चलिए दोस्तों हम अब सेटिंग पर क्लिक करते हैं। दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं, तो हमें अपनी प्रोफाइल क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। और तो चलिए हम आपको अभी फ़िलहाल में डीपी चेंज करना बताएंगे, यानी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना बताएंगे। तो हमें प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद रिमूव पर क्लिक नहीं करना है, हमें एडिट पर क्लिक करना है। तो हमें एडिट पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हम गैलरी में हमारी फ़ोटो है, तो हम गैलरी पर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में सेव फ़ोटो देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ बीच वाला बटन दबा के। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डन पर क्लिक कर दीजिएगा। डन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको डन करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप अपने जियो फोन में डीपी को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।